अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि हम कस्टम नेविगेशन ड्रायर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट इन को नहीं यूज़ करेंगे, हम खुद से देखेंगे कि हम खुद से एक नेविगेशन ड्रायर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट की है जिसको मैंने नाम दिया है कस्टम नेविगेशन का। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले जब आप नेविगेशन ड्रायर बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन लाइब्रेरी यहाँ पर इम्पोर्ट करनी है, जो कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक डिज़ाइन लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर ऐड की है, ये आपको इंपोर्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद ही हम नेविगेशन ड्रायर की जो बाकी चीज़ें हैं उन सबको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेविगेशन ड्रायर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना एक स्टाइल क्रिएट करना है नो एक्शन बार का। स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे, हम वैल्यूज़ में जाएंगे। ठीक है, स्टाइल्स यहाँ पर जाके मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर हम अपना स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पेरेंट इसको जस्ट मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, ऐप थीम डॉट नो एक्शन बार। ओके, ये एक थीम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इस थीम के अंदर मुझे क्या करना है, दो आइटम ऐड करने हैं। सो मैं आइटम ऐड करूँगा विंडो एक्शन बार और इसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और इसी तरह से एक और आइटम मुझे ऐड करना है, उसको मैं यूज़ करूँगा विंडो नो टाइटल और इसको हम क्या करेंगे ट्रू। ठीक है, एक विंडो का टाइटल भी होना चाहिए, एक्शन बार भी नहीं होना चाहिए। सो ये दो यहाँ पर मैंने स्टाइल क्रिएट कर लिया। इसके बाद एक दो स्टाइल्स मुझे और क्रिएट करने हैं, वो किस लिए कि जब हमने एक्शन बार को फॉल्स किया, अब इस एक्शन बार की जगह पर क्या करना है आपको, एक और अपने जो बार्स हैं पॉपअप ओवरले या एक्शन बार ओवरले उनको भी क्रिएट करना है। सो उनके लिए मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड कर देता हूँ, स्टाइल ऐप थीम डॉट। ठीक है, डॉट के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ऐप बार ओवरले के नाम से, यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, पेरेंट थीम ये किसका किसका यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, थीम ओवरले डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट डॉट डार्क डॉट एक्शन बार, ये एक थीम यहाँ पर स्टाइल क्रिएट कर लिया आपने। इसी तरह से हमें एक और स्टाइल क्रिएट करना है जिसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा ऐप थीम डॉट पॉपअप। ठीक है, ओवरले के नाम से ये एक स्टाइल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। सो पेरेंट इसका क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐप थीम ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट, लाइट के नाम से यहाँ पर दो हमने क्या किए हैं स्टाइल क्रिएट, इन्हीं दोनों स्टाइल को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट जाके। ठीक है, यहाँ पर अलर्ट डायलॉग नहीं यूज़ करना, बल्कि हम यूज़ करेंगे थीम ओवरले के नाम से, थीम ओवरले। ठीक है, डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट। ओके, ये हमारे पास स्टाइल्स क्रिएट हो गए। स्टाइल्स क्रिएट होने के बाद अभी आपको क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने नेविगेशन इसको मैनिफेस्ट के ऊपर। ठीक है, और मैनिफेस्ट में जाके अपने इस कस्टम नेविगेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ थीम। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ थीम इसको, और थीम इसको हम देंगे नो एक्शन बार, ये थीम अप्लाई हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो ये एक्टिविटी है, यहाँ भी मैं थीम की जगह पर क्या अप्लाई कर देता हूँ, नो एक्शन बार। ओके, ये थीम एक क्रिएट हो गया। जैसे ही आप यहाँ पर नेविगेशन ड्रायर की एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और कोऑर्डिनेट लेआउट की जगह पर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना ड्रायर लेआउट। ठीक है, क्योंकि ड्रायर लेआउट के अंदर रहते हुए ही हमने सारे का सारा काम क्या करना होता है, सिस्टम में करना होता है। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं इसको कोई ना कोई आईडी अप्लाई कर देता हूँ, लाइक मैं इसको आईडी अप्लाई कर रहा हूँ ड्रायर के नाम से। ठीक है, ड्रायर लेआउट अप्लाई कर देते हैं ताकि हमने इसको जावा क्लास में भी एक्सेस करना है और मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर भी। इसी तरह से इसमें आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फिट सिस्टम विंडो के, पूरी आपकी स्क्रीन की जितनी भी हाइट वेट है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या हो सेट हो जाए आपके ड्रायर पे। तो इसको मैं कर रहा हूँ ट्रू। ओके, ये चीज़ें हमने ट्रू कर दी। उसके बाद ओपन ड्रायर के नाम से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ड्रायर आप ओपन कहाँ से करवाना चाह रहे हैं, स्टार्ट लेफ्ट राइट कहाँ से, सो मैं यहाँ से स्टार्ट से ओपन करवा रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक अपना ड्रायर क्रिएट कर लिया हुआ है। अब चलते हैं ड्रायर के अंदर। ड्रायर के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक उसका हेडर होगा और एक उसकी क्या होंगे नीचे मेन्यू बार्स होंगे। सो मुझे ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, क्रिएट करनी है नेविगेशन व्यू में। सो मैं पहले तो नेविगेशन व्यू क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर आकर। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन व्यू। ठीक है, ये हमारे पास विजिट वाला नेविगेशन व्यू, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी विथ जो है वो मैं दे देता हूँ रैप कंटेंट, और हाइट जो है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैच पेरेंट। मैच पेरेंट अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, इसको कोई भी आईडी अप्लाई कर दें, आईडी इसको मैं दे रहा हूँ नेव अंडरस्कोर व्यू के नाम से, कोई भी आईडी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ग्रेविटी अप्लाई कर देते हैं, एंड्रॉइड लेआउट ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, कि बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा हमारे पास जो भी हमने नेविगेशन व्यू यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके,
सॉरी सेंटर नहीं, इसको हम करेंगे, इसको बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट का मतलब ये होगा कि बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर स्टार्टिंग में इसको आना चाहिए था। अच्छा जी, अब उसके बाद इसको भी हम फिट सिस्टम ऐड कर देते, विंडो के अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं फिट सिस्टम विंडो, और इसको भी हमने कर दिया ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया हमारे पास। अब रहेगा हमने इसके अंदर दो चीज़ें ऐड करनी है कि ये इसका हेडर लेआउट क्या होगा और मेन्यू क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आप इसमें अंदर ऐड करेंगे। ना तो हमने इसका हेडर क्रिएट किया हुआ और ना ही मेन्यूज, सो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें क्रिएट करनी है। अब मैं यहाँ पर पहले लेआउट में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, इसका हेडर क्रिएट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ नेविगेशन हेडर। ठीक है, सॉरी एच कैपिटल डाला हमने, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेविगेशन हेडर। और इसी तरह से इसका जो लेआउट है उसको हम कर देते हैं लीनियर लेआउट एंड देन ओके। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया नेविगेशन हेडर। अब नेविगेशन हेडर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसको आप बैकग्राउंड क्या अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर रहा हूँ, आप हमारे पास जो कलर था लाइक मैं प्राइमरी एक्सेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कलर एक्सेंट इसको हमने अप्लाई कर दिया जो भी हमारे यहाँ पर था। और इसकी हाइट जो है उसको मैं 150 कर देता हूँ, क्योंकि आप जितनी भी रखना चाहें हेडर की हाइट आप उतनी रख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने 150 कर दिया। इसी तरह से इसको पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, 15 dp पैडिंग अप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर अब आपने इसको थीम अप्लाई करना है। थीम हम इसको कौन सा अप्लाई करेंगे, वो जो हमने वहाँ पर क्रिएट किए थे थीम ओवरले के नाम से, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऐप कॉम्पैक्ट डॉट डार्क के नाम से। यहाँ पर मैं इसको थीम अप्लाई कर दूँगा जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ इमेज व्यू। कोई भी अगर आप इसमें इमेज लगाना चाह रहे हैं, इमेज को फॉर एग्जाम्पल मैं 50 dp क्रॉस 50 dp की इमेज बना रहा हूँ एक। ठीक है, ओके, एक चीज़ और है कि इसको ग्रेविटी अप्लाई करेंगे हम। ग्रेविटी मैं कर देता हूँ बॉटम, कि जो भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो क्या आएगी, बिल्कुल बॉटम पे आएगी आपके। सो यहाँ पर सोर्स अप्लाई करते हैं, सो अभी तक हमारे पास कोई इमेज भी नहीं है, सो मैं लॉन्चर को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एज एन इमेज। सो ये आपने इमेज यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अभी इस इमेज के बाद मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट व्यू विथ मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ठीक है, मार्जिन टॉप से दे लें इसको, थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसी तरह से इसमें कुछ भी टेक्स्ट एंटर करते हैं, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन ड्राइव। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर जो है उसको हम कर देते हैं ब्लैक। सो यहाँ पर जो कलर एक्सेंट हमने अप्लाई किया था, इसकी जगह पर जो है मैं कोई भी डार्क कलर यूज़ कर देते हैं हम। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक था, तो इसको हम थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं कलर। ठीक है, सो ये हमारे पास नेविगेशन डायरेक्ट बन गया। इसी तरह से मैं एक और टेक्स्ट व्यू बनाना चाह रहा हूँ, इसी को कॉपी करते हैं और इसके नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है, टॉप से मार्जिन जो है इसका मैं ख़त्म कर रहा हूँ और साइज़ भी इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सो ये मेरे पास टेक्स्ट व्यू आ गया। यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर ईमेल डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं @gmail.com, जो भी चीज़ यहाँ पर आप लिखना चाहें वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरे पास एक हेडर क्रिएट हो गया। ठीक है, जो भी हेडर फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है, अब इस हेडर फाइल को मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ अपने नेविगेशन व्यू के अंदर। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हेडर लेआउट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो भी लेआउट क्रिएट किया हुआ था उस लेआउट को मैं यहाँ पर लाकर क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर यूज़ करते हैं @lay_out। ठीक है, और इसके अंदर ये आ गया हमारे पास नेविगेशन हेडर। ये देखा आपने नेविगेशन के अंदर क्या हो गया, एक हेडर क्रिएट हो गया। सो अब इसके नीचे मुझे आइकन्स क्रिएट करने हैं, उसके सारे मेन्यूज क्रिएट करने हैं। सो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप रिसोर्सेज पर जाएंगे, राइट क्लिक न्यू। यहाँ पर पहले तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं हम मेन्यू के नाम से। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे मेन्यू रिसोर्स फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन मेन्यूज़ के नाम से। सो ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे मेन्यूज़। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपने यूज़ करनी है, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपने जो भी मेन्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करने हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टूल्स। ठीक है, इस टूल्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, नेम स्पेस क्रिएट होगी, शोज़ इन के नाम से यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, शोज़ इन हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको कहाँ पर शो करवाना है। सो यहाँ पर मैं आईडी मेंशन करूँगा अपने नेविगेशन व्यू की। नेविगेशन व्यू को मैंने आईडी क्या दी हुई है, nav_view के नाम से। सो मैं उसी को यहाँ पर लाकर क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके, अब इसमें चलते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सो उस ग्रुप के अंदर रहते हुए मुझे सारे के सारे अपने आइटम्स क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओके, ये ग्रुप आ गया। अब इसी ग्रुप के अंदर रहते हुए इस ग्रुप का आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसका चेकेबल बिहेवियर क्या होगा। मैं कर देता हूँ सिंगल,
कि बारी बारी हर चीज़ एक एक बार खुद चेक होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट करने हैं। याद रखिएगा हर आइटम के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसकी आईडी, उसका टाइटल और फिर उसका आइकन। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी आईडी अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली चीज़ प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आईडी दे लेता हूँ नेव प्रोफाइल, क्योंकि नेविगेशन का प्रोफाइल है इसलिए यहाँ पर हम टाइटल मैंशन करेंगे। टाइटल में हम लिख देंगे प्रोफाइल। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इसको आइकन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइकन भी बता सकते हैं। लाइक हमारे पास अभी आइकन आइकन आप लाएंगे कहाँ से, ड्रॉएबल न्यू ड्रॉएबल, यहाँ पे वेक्टर एसेट्स में से जाकर हम आइकन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कोई भी आइकन ले लेता हूँ, लाइक मेरे पास ये आइकन पड़ा हुआ है। ओके, आइकन इंपोर्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सो इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आईसी, और ये हमारे पास एक आइकन सेट हो गया। ठीक है, सो ये एक मेन्यू क्रिएट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस मेन्यू को अब आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर दो या तीन मेन्यूज़ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जितने भी आप यहाँ पर आइटम्स क्रिएट करना चाहते हैं वो आइटम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर नेव प्रोफाइल के नाम से क्रिएट किया, आप यहाँ से अगेन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नेव अकाउंट। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नेव लॉग आउट। ठीक है, ये कुछ मैंने तीन यहाँ पर क्या किए हैं, मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं। अब चलते हैं कि इन मेन्यूज़ को हम अटैच कैसे कर सकते हैं अपने नेविगेशन व्यू के साथ। ठीक है, सो इसी तरह से जहाँ पर अब आपने ये अटैच किया था नेविगेशन हेडर, इसी पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर अब आपने यूज़ करना है नेविगेशन के मेन्यूज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं। सो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर अब आप यूज़ करेंगे, आपने क्या बनाया था नेविगेशन मेन्यू के नाम से। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नेविगेशन मेन्यूज़। ठीक है, यहाँ पर देखें तो क्या हुआ कि हमारा कंप्लीट एक ड्रॉयर जो था वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मेन्यूज़ भी हैं और नेविगेशन का ड्रॉयर भी है। ओके, अब नेविगेशन व्यू तो हमारा क्रिएट होगा। अब हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड के ऊपर जो हमारे पास बैक पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक वहाँ पर टूल बार होगा आपका और उसमें कॉन्टेंट होगा जहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, वो भी आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। सो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं अपना ऐप बार के लिए कोई भी एक लेआउट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर लिख देते हैं नेविगेशन बार, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेआउट का। ठीक है, इसको कॉन्स्टेंट में रहने दें चाहे तो आप। ठीक है, ये हमने एक नेविगेशन बार का लेआउट क्रिएट कर लिया है। अब इस बार लेआउट के अंदर होता क्या क्या चीज़ें, इसमें आप एक तो टूल बार क्रिएट करेंगे अपने, ठीक है, और उसके बाद आप कॉन्टेंट मेन्यू क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपने सारे का सारा कॉन्टेंट राइट करना है। सो अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या क्रिएट करनी है, अब हम यहाँ पर चलते हैं नेविगेशन कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको ख़त्म करके नो एक्शन बार कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम अपना क्रिएट करने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऐप बार लेआउट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऐप बार लेआउट। ठीक है, विथ इसकी मैच पेरेंट होगी हाइट रैप कंटेंट। ठीक है, विथ यहाँ पर हमने देनी थी मैच पेरेंट। ठीक हो गया, ये ऐप बार लेआउट यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमने थीम अप्लाई करना है, जो कि हम थीम वहाँ पर क्रिएट कर चुके थे। कौन सा थीम, ओवरले के नाम से जो हमने थीम क्रिएट किया था, जिसको हम नाम दे रहे थे ऐप थीम डॉट ऐप बार ओवरले। ठीक है, ऐप बार ओवरले यहाँ पर हमने ये यूज़ कर दिया है। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसमें टूल बार क्रिएट करना है, जिसके अंदर मेरे पास क्या होगा, लाइट राइट साइड पर भी बटन होंगे और लेफ्ट साइड पर ड्रायर के बटन होंगे, जिससे मैं ड्रायर को लेफ्ट राइट स्वाइप कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ कौन सा टूल बार, ये आ गया हमारे पास टूल बार। ठीक है, विथ मैच पेरेंट, और हाइट इसकी क्या होगी, मेरे पास रैप कंटेंट होगी। ये हमारे पास एक टूल बार क्रिएट हो गया कस्टम। ओके, अब इस टूल बार के अंदर क्या करना है, इसको आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप बैकग्राउंड भी, इसको थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। लो, सो मैं इसको यहाँ पर थीम अप्लाई कर रहा हूँ पॉपअप थीम के नाम से, और ये क्या होगा मेरे पास पॉपअप ओवरले के नाम से, जो थीम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पॉपअप ओवरले का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक टूल बार भी मैंने क्रिएट कर दिया जो कि मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड था। ओके, अब इस टूल बार के बाद मुझे क्या करना है, ऐप बार के नीचे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पूरे का पूरा कंटेंट मेन्यू क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी कंटेंट राइट कर सकता हूँ। और बजाय इसके कि मैं यहीं पर ये चीज़ें सारी करता रहूँ, मैं एक और लेआउट क्रिएट कर देता हूँ नेविगेशन ड्रायर के लिए, जिसमें मुझे फाइनल अपना कॉन्टेंट राइट करना है। उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टेंट एक्टिविटी का नाम दे देते हैं हम, या जो भी आप नाम उसको देना चाहते हैं, कंटेंट एक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास ये क्या होगी, ये क्रिएट होगी कंटेंट एक्टिविटी। इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं नो एक्शन बार।
सो मैं इसमें कुछ, अब ये वो पॉइंट है जिसके अंदर आप सब कुछ राइट करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, नेविगेशन मेन्यू को भी, हेडर को भी, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर मुझे इंक्लूड करना है उस लेआउट को। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इंक्लूड, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेआउट, ठीक है, क्योंकि मुझे लेआउट इंक्लूड करना है। यहाँ पर लेआउट कौन सा है, वो कॉन्टेंट एक्टिविटी का लेआउट है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। सो मैं जैसे ही यहाँ पर लिखता हूँ, अब ये क्या होगा कि वो पूरा कॉन्टेंट लेआउट का जो भी कॉन्टेंट था वो यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो मैं दे रहा था, ओके, अब नेविगेशन मेरे पास यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ऐप बार भी, नेविगेशन व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसकी जावा क्लास की तरफ, कि वहाँ पर जाकर आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, उसमें क्या कुछ आप जो है वहाँ पर वो राइट कर सकते हैं। नेविगेशन ड्राइव में सबसे पहले काम तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें टूल बार को गेट करना है, जो कि टूल बार हमने वहाँ क्रिएट किया, उस पर हम बटन क्रिएट करेंगे यहाँ पर। मैं यूज़ कर रहा हूँ टूल बार, ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट। अब टूल बार को हमने क्या आई डी दी थी वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। हम देखेंगे नेविगेशन बार यहाँ पर रखा हुआ है, टूल बार को अभी तक हमने वहाँ पर कोई भी आई डी नहीं दी। यहाँ पर आई डी दे लेते हैं किसी अपने टूल बार को। मैं यहाँ पर इसको आई डी दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आई डी लाइक मैं दे देता हूँ टूल बार, ठीक है। इसी आई डी को हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, हमारे इस टूल बार के अंदर। ये हमने आईडी दे ली यहाँ पर टूल बार को, ओके। आईडी देने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसी टूल बार को हम सेट, इसको एक्शन बार के साथ सेट कर देंगे, सेट सपोर्ट एक्शन बार, ठीक है। और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ इस कंप्लीट टूल बार को। अब क्या होगा कि ये टूल बार मेरा, ये एक मेथड क्रिएट कर दिया हमने सेट सपोर्ट एक्शन बार, और उसके अंदर क्या पास कर रहे थे हम, टूल बार। इसी ऑन क्रिएट में रहते हुए आपने, ठीक है, यहाँ पर अब अपने ड्रायर लेआउट को क्रिएट करना है और उसको सेट करना है यहाँ पर। मैं यूज़ करता हूँ ड्रायर लेआउट, ये हमने ड्रायर लेआउट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको नाम खाली आप स्मॉल से ड्रायर लेआउट दे दें, इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट, और वहाँ पर हमने इसको नाम दिया हुआ था ड्रायर लेआउट के नाम से। ये ड्रायर लेआउट क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको एक्शन बार के साथ वो बटन हमारे जो बने होते हैं जिनके साथ हम स्वाइप करते हैं अपने ड्रायर लेआउट को, उसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है। मैं यूज़ करूँगा एक्शन बार ड्रायर टोगल, ठीक है, कि इसको हम क्या करना चाहते हैं, टोगल करना है मुझे यहाँ पे। मैं इज इक्वल टू, ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे हम, न्यू एक्शन बार ड्रायर टोगल, ये हमारे पास क्या हो गया, टोगल क्रिएट हो गया, ओके। अब इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें पास करनी है कि आपके एक्शन बार के ड्रायर टोगल में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम पास करते हैं दिस, ठीक है, एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपको कंप्लीट इस ड्रायर लेआउट को पास करना है जिसके अंदर रहते हुए आप ये काम करना चाह रहे थे। मैं यहाँ पे पास करता हूँ ड्रायर लेआउट कॉमा, नेक्स्ट वन आप क्या पास करते हैं, टूल बार के, जिस टूल बार के अंदर ये ड्रायर लेआउट आपका सेट होगा। यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ टूल बार कॉमा। उसके बाद आपको स्ट्रिंग पास करनी है कि ड्रायर लेआउट ओपन हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आपकी स्ट्रिंग में, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ड्रायर ओपन, यहाँ पर पास कर देते हैं ड्रायर ओपन। इसी तरह की एक और स्ट्रिंग मुझे पास करनी है, सॉरी स्टाइल नहीं था, पास कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसको हम नाम दे देते हैं ड्रायर क्लोज का। यहाँ भी मैं पास करूँगा ड्रायर क्लोज, इसी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ड्रायर ओपन, और इसी तरह से यहाँ पर आप पास करेंगे स्ट्रिंग डॉट ड्रायर क्लोज, ठीक, ओके। टूल बार यहाँ से हमारे पास जो विजेट है इसका, इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। टूल बार को जो इंपोर्ट करना है आपको वो वेरिएंट 7 का इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी एरर हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रायर हमारा टोगल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने पूरे ड्रायर लेआउट को यहाँ पर, अब आपको इसको लिसनर के साथ ऐड करना है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्रायर लेआउट डॉट ऐड ड्रायर लिसनर, ठीक है। और ड्रायर लिसनर के अंदर हम जस्ट पास करेंगे अपना टोगल बटन, ठीक है, कि आप इस पूरे के पूरे ड्रायर को क्या कर सकते हैं, टोगल भी कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टोगल डॉट सिंक स्टेट, कि पूरे ड्राइवर की जो टोगल की स्टेट है वो क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज होती रहे, कि आप टोगल कर रहे हैं तो लेफ्ट हो रहा है, टोगल करेंगे तो राइट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा ड्रायर जो है वो कंप्लीट यहाँ पर काम करेगा। लास्ट वन चीज़ हमारे पास यहाँ पर आएगी कि हम पूरे के पूरे ड्रायर लेआउट को, मैं इस मेथड को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ,
आप इस पूरे ड्रायर लेआउट को नेविगेशन व्यू के साथ किस तरह से अटैच कर सकते हैं वो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे नेविगेशन व्यू। सो ये हमारे पास आ गया नेविगेशन व्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, उसको हमने नाम दिया था नेव अंडरस्कोर व्यू के नाम से। सो यहाँ पर नेविगेशन व्यू की हमने गेट कर लिया, सो इसी को हम यूज़ करेंगे लिसनर के साथ नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, ठीक है, और इसके अंदर मैं दिस पास कर रहा हूँ इसको, यानी कि हम क्या करते हैं एक्टिवेट कर देंगे। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पर दिस पास किया, फिर हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट भी किया अपने सारे के सारे लिसनर को नेविगेशन व्यू के साथ, क्या कि सिलेक्टेड आइटम लिसनर के साथ वो क्या हो जाए इंप्लीमेंट हो जाए। अब इसके बिल्ट इन मैथड को हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर ऑल इंटर करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे मैथड, ठीक है, और नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड यहाँ पर जो उसका बिल्ट इन मैथड है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, इस मैथड के अंदर हमें करना है क्या नेविगेशन आइटम व्यू के अंदर या फिर जो आपका ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर है। ओके, इसके अंदर सबसे पहले आपने जितने भी मेन्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं उन मेन्यूज़ को आपने यूज़ करना है यहाँ पर, जो भी मेन्यूज़ आप यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो मेन्यू हैं कहाँ पर, यहाँ पर हमने क्रिएट किए थे नेविगेशन मेन्यू के फोल्डर के अंदर नेविगेशन मेन्यूज़ में, ठीक है, इन मेन्यूज़ को यहाँ पर आप क्या करेंगे गेट करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम आईडी गेट करते हैं आई टी इक्वल टू, सबसे पहले कहाँ से आईडी आएगी, आपने जो मेन्यू आइटम आ रहा है इसको यूज़ करेंगे आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ठीक है, इससे क्या होगा कि आप उस आइटम की आईडी गेट करेंगे जिस पर भी क्लिक होगा। सो यहाँ पर मैं कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ इफ़ आपकी आईडी जो है वो मैच होती है किसके साथ आर डॉट आईडी डॉट नेव अंडरस्कोर, हमारे पास सबसे पहली चीज़ थी प्रोफाइल के साथ, ठीक है, देन आप क्या करेंगे और अदरवाइज हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स इफ कि अगर आपकी आईडी मैच होती है आर डॉट आईडी डॉट नेव अंडरस्कोर अकाउंट के साथ देन आप क्या करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से लास्ट वन हमारे पास क्या था कि आईडी अगर हमारी मैच हो रही है आर डॉट आईडी डॉट नेव अंडरस्कोर लॉग आउट के साथ, ठीक है, देन क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पर अब आप पास करेंगे, ठीक है, और इसके बाद होने के बाद लास्ट पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ड्रायर लेआउट को हम यूज़ करेंगे, ड्रायर लेआउट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रायर लेआउट इक्वल टू, सबसे पहले इसको गेट करेंगे हम फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ड्रायर लेआउट, ये ड्रायर लेआउट गेट हो गया हमारा, ठीक है। सो ड्रायर लेआउट को अब आपने जैसे ही किसी भी बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद हम क्या करते हैं ड्रायर लेआउट को क्लोज करते हैं, सो मैं यूज़ करूँगा क्लोज ड्रायर, और यहाँ पर अब आप यूज़ करते हैं ग्रेविटी कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट, कि अब पूरी ग्रेविटी को आप क्या करते हैं ग्रेविटी कॉम्पैक्ट होता है कि नेविगेशन आपका स्वाइप होगा और प्रीवियस जो आपने बैक पे रखा हुआ था वो क्या होता है पॉपअप होकर आपके पास आ जाता है, यानी कि ग्रेविटी से स्टार्ट हो जाता है। सो ये आपने क्या किया नेविगेशन ड्रायर स्टार्ट, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ट्रू कि हमारे पास क्या हो गया नेविगेशन बिल्कुल स्टार्ट हो गया। सो इस तरह से नेविगेशन ड्रायर को हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी कोड आपका है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं अपने नेविगेशन ड्रायर में रहते हुए। यहाँ पर एक चीज़ रह गई है हमारे पास कि हमने अगर बैक प्रेस किया बटन को, कि बैक बटन पे आपने प्रेस किया तो उसके बाद क्या होगा आपकी एक्टिविटी क्लोज होगी या ड्रायर क्लोज होगा, सो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल हो ऑन बैक प्रेस्ड, ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं ड्रायर लेआउट को सबसे पहले तो आप गेट करें, ठीक है, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रायर लेआउट जैसे आपने यहाँ पर नीचे किया था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और सो हम बैक ऑन बैक प्रेस के अंदर ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, ये ड्राइवर हमने यहाँ पर ड्रायर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। सो इसी लेआउट के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ हमारा जो ड्रायर लेआउट है डॉट इज ड्रायर ओपन, कि अगर तो वो ओपन है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं इसको स्टार्ट करवाते हैं ड्रायर को, अगर वो ओपन है देन क्या होगा, ठीक है, और अगर वो ओपन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, दोनों काम यहाँ पर आपने करवाने हैं। अगर ओपन होगा ड्रायर को हम इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर और उसको करवा देते हैं क्लोज, बस जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे हम ड्रायर डॉट क्लोज ड्रायर, ठीक है, अगर ओपन होगा तो हम उसे क्लोज करवा देंगे, अदरवाइज हम जो सुपर स्टेटमेंट थी उसकी डिफॉल्ट की इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्स के अंदर, और यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। तो ये बैक प्रेस था जिसको आपने क्या किया इंप्लीमेंट किया उसके डिफॉल्ट फंक्शन के अकॉर्डिंगली। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ड्रायर था ड्रायर के ऊपर कुछ आपके क्रिएट ऑप्शन मेन्यूज या इस तरह का ऑप्शन मेन्यू भी अटैच होना चाहिए आपके ड्रायर के ऊपर, तो वो किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं उसके लिए हम ये देखते हैं कि मेन्यू के ऊपर आप सबसे पहले तो राइट क्लिक करेंगे न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ
ड्रायर अंडरस्कोर सेटिंग के नाम से, ठीक है, आपने मेन्यू क्रिएट कर दिया। अब इस मेन्यू के अंदर आप कुछ भी अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप क्रिएट करने जा रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ आइटम, और आइटम को यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी देंगे, ठीक है। आईडी यहाँ पर मैं दे लेता हूँ मतलब सेटिंग्स की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं टाइटल उसको, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेटिंग्स, ओके। यहाँ पर अब हमारे पास अगर हम सेटिंग्स चाह रहे थे तो हम यहाँ पर ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड लिसनर ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। सो कंट्रोल ओ ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये हमारे पास एक किया गया मेथड, ठीक है। और इसी तरह से एक और मेथड इंप्लीमेंट यहाँ पर हम करेंगे ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड के नाम से, ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। ये हमारे पास दोनों मेथड इंप्लीमेंट हो गए। तो इन दोनों मेथड को इंप्लीमेंट कैसे करना है, सबसे पहले तो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू पे चलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ये जो सुपर स्टेटमेंट रिटर्न हमारे पास कर रहा है इसको सबसे पहले तो ख़त्म करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। सो यहाँ पर हमने यूज़ करना है गेट मेन्यू इन्फ्लेटर की क्लास, ठीक है। काम क्या करेगी, वो जो मेन्यू हमने वहाँ पर बनाए हुए थे उन मेथड्स को यहाँ पर यूज़ कर रही है, डॉट इन्फ्लेट, ठीक है, आर डॉट मेन्यू डॉट, यहाँ पर हमने वो ड्रायर सेटिंग के नाम से जो मेन्यू बनाया हुआ था उसी मेन्यू को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इस मेन्यू को, और कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर आपने पास कर देना तो ये ऊपर यहाँ पर मेन्यू के नाम से ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। सो मेन्यू ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और लास्ट में हम इसके साथ कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसी तरह चलते हैं आइटम सिलेक्टेड लिसनर में, कि अगर उसमें से आइटम कोई सिलेक्ट होता है देन हम क्या करेंगे। सो मैं यहाँ से सुपर स्टेटमेंट को ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उसी तरह से आप आईडी गेट करोगे इक्वल टू गेट, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट आइटम आईडी, ओके सॉरी, यहाँ पर आइटम को सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ये आईडी आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ आईडी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट सेटिंग, तो जो वहाँ पर हमने सेटिंग लगाई थी अगर तो उसके इक्वल है देन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। सेटिंग के बाद आप क्या कर देते हैं, इसको जस्ट रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। और लास्ट पे आके मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ वही हमारे पास सुपर स्टेटमेंट जो हमने इसकी बनाई हुई थी सुपर, ठीक है। और सुपर के अंदर हम क्या पास कर रहे थे, डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड लिसनर के नाम से जो भी आपने यहाँ पर आइटम इसमें पास किया था वो आइटम पास कर देंगे। सो ये हमारे पास मेन एक्टिविटी का कोड कम्प्लीट हो चुका है। आप चलते हैं इसकी कस्टम लेआउट की तरफ, के वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हमसे स्किप हुई हैं। ड्रायर सेटिंग्स में जो आपकी इसकी मेन लेआउट फाइल थी वो हमारे पास थी ये कस्टम नेविगेशन की। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने इंप्लीमेंट या इंक्लूड करना है उस पूरे के पूरे ऐप बार को जिसको हमने यहाँ पर स्किप किया था, क्योंकि इसके बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैंक है। बैकग्राउंड के ऊपर वो हमने कंटेंट व्यू और ऐप बार को यहाँ पर इंक्लूड करना है। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर सबसे पहली चीज़ तो लेआउट आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लेआउट। लेआउट है कौन सा हमारे पास जो आप यहाँ पर इंक्लूड करें, नेविगेशन बार वाला लेआउट, ठीक है। जैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे बैक साइड पे क्या हो गया, वो पूरे का पूरा नेविगेशन व्यू आ गया, ठीक है। इसकी हाइट विथ क्या होगी वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। विथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैश पेरेंट, और इसी तरह से हाइट यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैश पेरेंट, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, कंप्लीट एक नेविगेशन ड्रायर को इंप्लीमेंट कर लिया जो कि हमने कस्टम क्रिएट किया खुद से, ठीक है। जो भी इसमें चेंजिंग करनी हो हम खुद से भी इसमें चेंजिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको रन करते हैं एक बार।